आज मैं आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट बनने वाले नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और इसके लिए हमें बहुत कम सामानों की जरूरत होती है और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। जब कभी सुबह को कुछ भी समझ में ना आए या बहुत ज्यादा जल्दी हो, तब आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। और ब्रेड के साथ बना हुआ ये नाश्ता खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, आप लोगों की लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं और मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर करते हैं। सुबह की भागम भाग में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट बनने वाला ये नाश्ता बनाने के लिए मैंने लिया है ये एक छोटा सा बाउल बेसन, और जितना मैंने बेसन लिया है उसकी 1/4 मैंने मैदा ली है, और थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, एकदम छोटे साइज का प्याज और उसे भी बारीक कटा हुआ है, एक टमाटर, एकदम छोटे साइज की एक शिमला मिर्च, नमक टेस्ट के हिसाब से, आधा टीस्पून से कुछ कम ली है लाल मिर्चें, एक पिंच हल्दी, एक हरी मिर्च और जिसे बहुत बारीक काटा है, और आधा टीस्पून यूज करेंगे बेकिंग पाउडर, और सेकने के लिए मैं यूज करने वाली हूँ बटर, और आप चाहें तो किसी भी कुकिंग ऑयल में या देसी घी में किसी के साथ भी इसे सेक सकते हैं। साथ ही हमें जरूरत होगी जरूरत के हिसाब से ब्रेड की। ब्रेड को आप कोई भी कुकीज कटर लेकर या कटोरी से या ग्लास से राउंड शेप में कट कर लें। इसके बाद हमने ये जो बेसन लिया था एक बड़े बाउल में कर लेंगे, इसी में ये मैदा भी डाल देंगे, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्चें और ये हरी मिर्चें। अगर आपको हरी मिर्च पसंद नहीं है या आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। इसी समय हम इसमें ये बेकिंग पाउडर भी डाल देंगे, और हमें इसमें बेकिंग पाउडर का ही यूज करना है, बेकिंग सोडे का नहीं, और इन सब चीजों को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ये पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। हमें इसे जब तक अच्छे से मिक्स करना है कि इसके सारे लम्स खत्म हो जाएं, और हमें इसका एकदम पतला बैटर तैयार करना है। हमें इसे चीले के बैटर से काफी पतला बनाना है, इसके लिए मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए ये अब एकदम पतला बैटर हमारा तैयार हो गया है, इसे हम एक साइड रख देंगे। और बैटर को रखे हुए करीब अब 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें ये हरा धनिया डाल देंगे और एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपका बैटर थोड़ा गाढ़ा हो गया है तो आप थोड़ा सा पानी और मिला सकते हैं। और इसके बाद गैस ऑन करेंगे, और गैस के ऊपर मैंने एक तवा रख दिया है, और थोड़ा सा बटर हम तवे पे डाल देंगे और इसे मेल्ट होने देंगे। और हमने ये जो बेसन का घोल बनाया था और ब्रेडों को राउंड करके रखा था, अब इसमें डिप कर लेंगे, अच्छे से डिप करेंगे और तवे के ऊपर सेट कर देंगे। इसी तरीके से एक और, और थोड़ा थोड़ा सा हम ये जो बेसन वाला बैटर हमने लिया था इनके ऊपर फैला देंगे, सिर्फ एक ही साइड। और कुछ सेकंड बाद हमने ये जो शिमला मिर्च काट के रखी थी थोड़ी थोड़ी वो इसके ऊपर डाल देंगे, बारीक कटा हुआ टमाटर, और लास्ट में ये प्याज। एक मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें एक तरफ से ऐसे ही सिकने देंगे। करीबन एक मिनट हो चुका है, थोड़ा थोड़ा सा बटर हम इसके ऊपर भी डाल देंगे, और बस इसके बाद एक तरफ से ये हल्के से सिक गए हैं, और हम इन्हें टर्न कर देंगे, और देखिए दूसरी तरफ इन पे कितना अच्छा कलर आया है, और ये काफी फ्लफी भी है। और मीडियम फ्लेम पर ही हम इन्हें करीब एक मिनट तक दूसरी तरफ से सिकने देंगे, और दो मिनट में ही हमारा ये नाश्ता तैयार हो जाएगा। और बस एक बार बीच में इस तरीके से हल्के से हिला देंगे, और करीबन 1.5 मिनट हो चुका है, और हमारे ये जो ब्रेड के छोटे छोटे आमलेट हैं ये भी अच्छे से सिक गए हैं, और बस हम इन्हें अलग प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे।
और देखिए कितनी झटपट और बहुत ही टेस्टी हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। और आप देखिए कि ये कितने फ्लफी हैं, खाने में ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी हैं और बनाने में इन्हें बिल्कुल भी समय नहीं लगा। ये रेसिपी आप एक बार जरूर ट्राई करें और फीडबैक में मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी। तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।